गांधी परिवार, कांग्रेस और हिंदी सिनेमा के शहंशाह बच्चन परिवार का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। कभी दोनों खासे करीबी रहे, फिर राहें जुदा हो गईं। अमिताभ बच्चन ने 2 फरवरी 2018 को अचानक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को भी फॉलो किया। बिग बी यहीं नहीं रुके, एक हफ्ते बाद 9 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी अमिताभ बच्चन ने फॉलो कर लिया। राहुल गांधी ने तो अब तक बिग बी को ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर सीनियर बच्चन को धन्यवाद देकर फॉलो कर लिया। बिग बी का अचानक उमड़ा कांग्रेस प्रेम था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद हाल में बिग बी ने पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सीपी जोशी, अजय माकन, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय झा सरीखे नेताओं को भी अपने ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर डाला। सिब्बल, चिदम्बरम, जोशी जैसे ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने तो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बाकी नेताओं ने बिग बी को अपने हैंडल पर फॉलो कर लिया। बिग बी ने कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को ट्विटर पर फॉलो किया। मनीष ने फौरन बिग बी के हैंडल पर जाकर धन्यवाद किया और अविश्वसनीय कहते लिखा कि वो एक जमाने में अमिताभ की फिल्मों का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए 3 रुपए खर्च करते थे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।